Hello everyone, this is Harshit and welcome to my channel. तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मिक्सिंग मास्टरिंग कैसे की जाती है लॉजिक प्रो एक्स पे, बहुत हम प्रोफेशनल एंड बेसिक लेवल्स, कौन से इफेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं, कौन से प्लगइन्स यूज़ किए जाते हैं और कुछ ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा. सो हियर आई हैव माय डेमो प्रोजेक्ट जिस पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने वर्क किया है इस पर, कैसे मैंने इफेक्ट्स यूज़ किए हैं, कैसे मैंने इसकी मास्टरिंग की है. सो लेट्स बिगिन. तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा जो कि ये ट्रैक जो ऑलरेडी रेडी है, पहले मैं आपको ये सुनाऊंगा, उसके बाद मैं इस पर बेसिक मिक्सिंग मास्टरिंग का पूरा स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं आपको. एक मिनट. ये था एक डेमो. तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मैंने मिक्सिंग मास्टरिंग कैसे की है, कौन से इफेक्ट्स यूज़ किए हैं एंड ऑल. सो लेट्स बिगिन. सो दिस इज द म्यूजिक एंड दिस इज द फर्स्ट वोकल. जो कि एक अभी मिक्स्ड है, अब मैं आपको सारे इफेक्ट्स बंद करके दिखाता हूँ इस पे कैसे मिक्सिंग करनी है. ये था विदाउट द इफेक्ट्स. इसमें मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट जो हम मैंने इसमें इफेक्ट यूज़ की है वो है चैनल ईक्यू, इक्वलाइजेशन. इक्वलाइजेशन में मैंने जो लोज हैं वो मैंने बिल्कुल कट कर दिए हैं, मिड्स को भी थोड़ा सा लो रखा है और जो हाइज हैं मैंने हाइज इंक्रीज़ किए हैं. इसमें मुझे थोड़ा इसमें एग्रेसिव लाइक थोड़ा क्रंचीनेस चाहिए मुझे थोड़ा, जो हाइज से मैंने इसमें डाली हैं. अब आप देख सकते हो उसके साथ विदाउट इफेक्ट. तो आप देख सकते हैं कैसे पूरा चेंज हो गया है. ये थोड़ा पहले थोड़ी आवाज़ बैठी हुई थी और विद द चैनल इक्वलाइजेशन जो आवाज़ है वो बिल्कुल ऊपर आ गई है. जैसे कि मैंने इसमें जो हाइज हैं, हाइज इसमें मैंने इंक्रीज़ की हैं, तो नेचुरली जो वोकल्स हैं वो थोड़े हाई उस पे चले गए हैं और आवाज़ थोड़ी क्लियर सुनाई दे रही है, थोड़ी क्रंचीनेस है इसमें, शार्पनेस. फिर जो म्यूज़िक है वो थोड़ा हैवी है, तो मुझे म्यूज़िक के अकॉर्डिंग जो उसकी वोकल्स हैं वो इक्वलाइजेशन में देखना पड़ेगा कि या मुझे इसमें लोज रखनी है, हाई जो हाईज इंक्रीज़ करनी है, लोज कैसे रखनी है, जो मिड्स हैं उनको कैसे रखना है. तो मोस्टली ये आप पे भी डिपेंड करते हैं कि आपको कैसे चाहिए, कि आपको कैसी आवाज़, आपको शार्प चाहिए, थोड़ी लो में रखनी है तो आप इसमें लोज में रख सकते हो हाई को कट करके. इसमें मैंने हाई जो लोज हैं उनको कट कर दिया है और हाईज इंक्रीज़ किए हैं ताकि मुझे शार्प वोकल्स मिलें, साउंड है काफ़ी अच्छी आएगी इसमें. तो ये था हमारा फर्स्ट प्लगइन जो है चैनल इक्वलाइजेशन. द सेकंड वन इज आर वॉक्स. आर वॉक्स बेसिकली वेव बंडल का एक प्लगइन है. तो वेव बंडल जो है
इट इज़ फ्रॉम वे प्लगइन्स, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। उनके डिफरेंट टाइप ऑफ बंडल्स हैं, जैसे कि प्लेटिनम है और भी हैं बहुत सारे। सो दिस वन इज़ द बेसिक, द प्लेटिनम बंडल है ये। तो इसमें कई सारे प्लगइन्स हैं फॉर मिक्सिंग मास्टरिंग, EQs हैं, रिवर्ब्स हैं एंड अदर प्लगइन्स एंड ऑल। तो उनमें से ये है RVOX। तो RVOX बेसिकली करता क्या है, RVOX जो है ये एक कंप्रेशन की तरह काम करता है, जो जैसे कंप्रेशर है, जो कंप्रेसर हम यूज़ कर रहे हैं ये उसी टाइप का है, पर इसमें कि आपकी आवाज़ को काफ़ी एम्पलीफाई कर देता है, लाइक बूस्ट अप कर देता है बार, जो आपकी दबी आवाज़ होगी, जो डल जो रिकॉर्डिंग जैसे हमने की हो, जो साउंड बिल्कुल ही लो पे चल रही हो, थोड़ी क्रंचीनेस या कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पतली आवाज़ है, उसको ये थोड़ा एम्पलीफाई कर सकता है। और एकदम से ये जो लो जो बैठी आवाज़ है, डलनेस है जो, वो आपको शार्प में ले आएगा। तो अब मैं आपको इफेक्ट के साथ सुनाता हूँ पहले, इसमें मैंने कैसे यूज़ किया है, एंड दिस द गेन द कंप्रेसर। सो अब आप चेक कीजिए विद द इफेक्ट। पर आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा लाइक बूस्ट अप हो गया है ये पूरा, जो कंप्रेसर से पूरा जो वोकल्स हैं, जो साउंड है वो एम्पलीफाई हो गई है, काफ़ी हैवीनेस आ गई है, शार्पनेस आ गई है इसमें। और विदाउट, ये देखिए विदाउट इसके, इसके बिना ये ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ी डलनेस है इसमें। तभी मैंने RVOX यूज़ किया है कि इसको एक अच्छा कंप्रेशन मिलेगा, वोकल्स को काफ़ी अच्छा काफ़ी गेन मिलेगा इसमें, ताकि वो आपको क्लियरली सुनाई दें। ये ना हो कि आप जब सुन रहे हो आफ्टर द मिक्सिंग मास्टरिंग द प्रोजेक्ट, अब जब उसको सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कमी रह गई है वोकल्स, या कम आ रहे हैं, या म्यूज़िक की थोड़ी आवाज़ ज़्यादा है। तो ये एक अच्छा प्लगइन है जो आपकी आवाज़ को बिल्कुल ही एक अच्छा इफेक्ट देगा, आपकी आवाज़ को नरिश कर देगा, कि आप उसको एक अच्छा गेन दे सकते हैं, क्लियर सुनाई देगी आपकी आवाज़। सो द थर्ड प्लगइन जो मैंने इसमें यूज़ किया, दैट इज़ अ डीसर। सो व्हाट इज़ अ डीसर, बेसिकली डीसर क्या काम करता है, कुछ आपकी जो फ्रिक्वेंसीज होंगी या कुछ भी आवाज़ जैसे आपकी है जो रिकॉर्डिंग की आपने, अगर वो चुभ रही है, लाइक उसमें काफ़ी शार्पनेस कुछ ज़्यादा है, आपको वो तंग कर रही है, लाइक आपको सुनाई नहीं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है सुनने में, तो आप डीसर यूज़ कर सकते हैं। डीसर क्या करेगा, आपकी जो आवाज़ है आप उसके साथ उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, कि आपको कितनी उसमें शार्पनेस चाहिए। इस लाइक आप ट्रेबल की तरह काम सोच सकते हो उसको, इस लाइक अ ट्रेबल, जैसे ट्रेबल में आप इंक्रीज़ करोगे तो थोड़ी आपको शार्पनेस मिलेगी, लो करोगे तो ट्रेबल कम करोगे तो आपको बिल्कुल थोड़ी डलनेस मिलेगी। तो ये उस टाइप का है कि अगर आपको ज़्यादा चुभ रही है आवाज़ आपकी, आपको लग रहा है कि नहीं ये जो वोकल्स है काफ़ी ज़्यादा चुभ रहे हैं, तो आप डीसर यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिलेगा। तो जो डीसर है इसको मैंने 25.1 लाइक यू कैन से 25 dB पे मैंने इसको सेट किया हुआ है। तो इससे, तो पहले मैं आपको विदाउट इफेक्ट दिखाता हूँ, सॉरी विद इफेक्ट दिखाता हूँ मैं आपको पहले, देन आई विल शो यू विदाउट इफेक्ट। आप देख सकते हैं कि जैसे इसमें काफ़ी सूदिंग लग रहा है अभी बिल्कुल सूदिंग, आपको कानों को सुनने में कोई चुभ नहीं रहा है, ये बिल्कुल क्लीन सुनाई दे रहा है आपको। तो मैं आपको विदाउट इफेक्ट दिखाता हूँ मैं, कि डीसर की आवाज़ कैसे, विदाउट डीसर कैसे लगेगा ये। आप अभी थोड़ा से हार्श सा लग रहा है, चुभ रही है थोड़ी आवाज़, लाइक द वर्ड एस, वो जो वर्ड्स होंगे वो काफ़ी शार्पनेस दे रहे हैं इसमें। तो जब मैंने डीसर यूज़ किया है तो वो क्या करेगा कि इन सबको बिल्कुल सूदिंग बना देगा, आपकी जो वॉइस होगी बिल्कुल सूदिंग स्मूथ लगेगी, कोई शार्पनेस नहीं होगी, चुभेगी नहीं वो दोबारा। सो दिस वॉज माई थर्ड प्लग इन, थर्ड इफेक्ट जो है हमारा डीसर, एंड इट्स ऑन स्टीरियो। देन फोर्थ जो मैंने इसमें यूज़ किया है, दैट्स अ नॉइस गेट।
नॉइज़ के जो नॉइज़ गेट है बेसिकली क्या करता है, आप जो अनवांटेड जो है नॉइस है, बैकग्राउंड नॉइस है, आप जो जिसको हम कहते हैं वाइट नॉइस कहते हैं हम इसको, आप उस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। तो इसका भी रहता है कि आपको कितने पे आपको अटैक पे रखना है, आपका इसका थ्रेशोल्ड कितना होना चाहिए, रिलीज़ कितनी होनी चाहिए, देन दिस रिडक्शन आपको कितने पे रखनी है, दिस थ्रेशोल्ड। तो ये सब जो है, तो ये नहीं है कि आपको पर्टिकुलर इतने भी रखना है तो इतना ही आपको चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको कितना चाहिए, कि आपकी अगर तो रिकॉर्डिंग बिल्कुल साउंड प्रूफ रूम में हुई है तो यह है कि आपको बिल्कुल हल्का सा यूज़ करना है इफेक्ट, तो ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे अगर आपने अपने बेडरूम में, अगर होम स्टूडियो में, मोस्टली होम स्टूडियो में अगर सेटअप किया हुआ है, कोई अकोस्टिक पैनलिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ, साउंड प्रूफिंग नहीं है, तब आपको थोड़ा इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि ताकि अगर नॉइस आ रही है बैकग्राउंड में तो ऑब्वियसली जो नॉइस है वो अच्छी बात तो है नहीं, क्योंकि नॉइस होगी तो आपको क्लीन जो ट्रैक होगा वो देगा नहीं है आपको, जो आउटपुट में आपको क्लीन साउंड सुनाई नहीं देगी, थोड़ी बहुत से आपकी कमी रह जाएगी। तो जो नॉइस गेट है इसको ध्यान ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। जैसे कि मैंने नॉइस गेट जिसमें यूज़ किया है 56 dB पे है ये, एंड जो रिडक्शन है दैट इज़ ऑन -100 dB, जिसको मैंने हाई कट पे रखा हुआ है जो कि फुल है, लो कट इसका 0 है, दैट इज़ ऑन 20 mH, सॉरी HZ। द नेक्स्ट प्लग इन इज टेप डिले। जो टेप डिले हैं बेसिकली वो क्या है, डिलेज काफ़ी टाइप के हैं, जैसे कि आप, मैं आपको दिखा सकता हूँ ये प्लगइन्स जो इसकी हैं, डिले में आपको मिलेगा, डिले डिज़ाइनर है, EQ है, सैम्पल डिले है, स्टीरियो डिले एंड टेप डिले। तो डिले में से मैंने टेप डिले सेलेक्ट किया है। अब आप बोलोगे टेप डिले क्यों, बाकी क्यों नहीं, क्योंकि हर एक डिले का डिफरेंट इफेक्ट है, और ये जैसे मुझे अब टेप डिले चाहिए, इसमें मुझे क्या चीज़ मिलेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो टेप डिले है बेसिकली वो क्या करता है, जो वो जो जैसे आपका वोकल है, आपको जो वर्ड्स होंगे वो रिपीट हो रहे हैं, कितना आपको चाहिए, कितना थ्रेशोल्ड चाहिए आपको, कितना आपको उसको जैसे ग्रूव है इसमें, कि आपको कितने ग्रूव पे रखा है, कि कितना डिले, कितने सेकंड का डिले होगा, कितना लंबा जा रहा है वो, कितना शॉर्ट आपको रखना है, इज़ ऑल डिपेंड ऑन दिस। सो इसमें जो फीडबैक है, मेन थिंग इज़ फीडबैक, कि जो फीडबैक है वो आपको कितने पे रखनी है, ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है, कम रखोगे तो ऑब्वियसली वो कम ही आएगी आवाज़, जो इसका रिपीटिशन होगा वो कम होगा, और अगर आप इसको ज़्यादा रखोगे तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, देन इज़ अ वेट इफेक्ट, वेट में अगर आप इंक्रीज़ करोगे इसको तो वो ज़्यादा सुनाई देगा आपको, जो इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बार आएगा, एम्पलीफाई होके आएगा। एंड ड्राई, अभी मैं आपको विद इफेक्ट सुनाता हूँ। आप देख सकते हो कि उसमें आपके जो वर्ड्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो जैसे मैंने इसमें सेटिंग की हुई है, लाइक आई हैव पुट ऑन फीडबैक ऑन 41% एंड द वेट इज़ ऑन 7% विद ड्राई ऑन 70% एंड ग्रूव जो है वो 54.666% पे है। तो यह भी आपके अकॉर्डिंग है कि आपको कैसे सेट करना है, कि आपको कैसे चाहिए आपका डिले। एंड तो ये था विद इफेक्ट। अब आप विदाउट इफेक्ट तो आपने सुना ही है, जैसे आप विदाउट इफेक्ट तो ऐसा लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो टेप डिले है ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट है, तो आपकी वॉइस को थोड़ा प्रोफेशनली एक टच देता है, ये आपको लगेगा कि कुछ है अच्छा सा लगेगा आपको इसमें। तो ये जो बेसिक प्लगइन्स हैं ये बहुत ही अच्छे हैं, अगर आपको चाहिए आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी हो तो ये बहुत ही अच्छी है।
थर्ड वन जो नेक्स्ट है इसका वो है इसका जो इनबिल्ट पिक्चर, यू कैन से। तो मुझे काफ़ी लोग जैसे पूछते हैं कि आपने ऑटो ट्यून कैसे यूज़ की है। तो बेसिकली जो ऑटो ट्यूनर है वो कई आते हैं, लाइक यूज़, एक आता है मेलडिनो 9, मेलेडिनोन, एक वो है मेलोडाइन है, सॉरी मेलोडाइन, मेरे पास है नहीं वो अभी। आई एम यूजिंग द बेसिक पिक्चर। तो एक्चुअली जो 10 वर्जन है इस पर एंटीज ऑटो ट्यून भी नहीं चल रहा, क्योंकि वो जो चल वो था 9 पे, लॉजिक 9 पे एंटीज ऑटो ट्यून चलती है, पर इस पर नहीं है, इस पर वो चीज़ फंक्शन नहीं कर रही है प्लगइन। आई डोंट नो हाउ दे डिज़ाइन इन दिस वन। तो इसलिए मैं अभी इसका जो है इनबिल्ट यूज़ कर रहा हूँ, और जो इनबिल्ट है उसको भी मैंने ऐसा इफेक्ट दिया है कि बिल्कुल आपको लगेगा कि क्लीन आपको ऑटो ट्यून सुनाई देगी, पर वो क्लीन तभी सुनाई देगी अगर आप इसके साथ खेलोगे। खेलोगे मतलब ये नहीं कि कुछ क्रिकेट खेलोगे इसके साथ, लाइक आप कैसे इसके स्केल्स कैसे सेट कर रहे हो, आपको कौन सा इसका, जैसे आप मैंने इसमें रखा है डी में रखा है, और इसका मेलोडिक मिनिमम जो माइनस स्केल है इसका ये उस पर है, एंड जो उसके रेंज है वो मैंने लो पे रखी है ताकि आपको ज़्यादा ज़्यादा ऑटो ट्यून ना हो, उस पर आवाज़ ख़राब हो जाएगी नहीं तो। एंड रिस्पॉन्स इसका मैंने रखा है 40.4 ms, और जो इसका डी ट्यून है लाइक इज़ लाइक ऑफ कि इसको मैंने 19 ऑक्ट पे रखा हुआ है, और थोड़ी सी हाई पे है ये। दीज आर द बाईपास कि आप कौन सा इसका स्केल बाईपास कर रहे हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ विद इफेक्ट, ऑटो ट्यून का विद इफेक्ट कैसा लगेगा आपको। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी एक हार्मोनिक टाइप की आवाज़ आ रही है, हार्मोनिक्स मिल रही हैं इसमें हमें, और बिल्कुल ऑन स्केल चल रहा है सब। ये नहीं है कि आवाज़ यहाँ से हिल रही है या उधर से हिल रही है, तो ये है कि बिल्कुल ऑन स्केल है, सब कुछ सेट है, और हार्मोनिक वॉइस आ रही है जो कि काफ़ी सूदिंग लग रही है। तो दिस इज़ अ ये कि आप एग्जैक्टली इसको ऑटो ट्यूनर नहीं कह सकते हो, दिस इज़ एक्चुअली द ये है एक पिच करेक्शन है, और इससे आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिलता है। और कई ऐसी वॉइसेस होती हैं जैसे अगर आप उनको मिक्स कर रहे हो तो ध्यान में रखना पड़ता है कि उन पे कौन से स्केल पे कैसे सेट हो गई है पिच करेक्शन, क्यों हर बार ये एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हमें कैसी जो आउटपुट कैसे मिलेगा इसका पिच का। कई बार जैसे हमने गाया हुआ है, रिकॉर्डिंग की है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे आप एक स्केल पे चल रहे हो तो वहाँ किसी स्केल पे जाके जो ऑटो ट्यून है, जो इसका पिच इफेक्ट है, जो पिच करेक्शन, वो हिल जाती है वहाँ से। तो यह है कि थोड़ा आपको पूरी सेटिंग करनी पड़ेगी उसकी, पूरा देख के करना पड़ेगा कैसे आपको कौन से स्केल पे कैसे रखना है, आपको उसका डी ट्यून कितनी रखनी है, कितना उसका रिस्पॉन्स रखना है, वो पूरा आपको ध्यान में रखते हुए आप इस प्लगइन को यूज़ कर सकते हो। द पिच करेक्शन इज़ द इनबिल्ट फीचर ऑफ लॉजिक प्रो, और मैं अभी यही यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इसमें मुझे। तो ये नोटिफिकेशंस, सो अब जो है इसमें मैंने कोरस भी यूज़ किया हुआ है। सो बेसिकली कोरस है क्या, कोरस ये आपकी आवाज़ जो वोकल्स हैं इनको सराउंड करेगा। आप इस पे इफेक्ट दे सकते हो कि आपको कितना स्टीरियो इफेक्ट आएगा इस पे, आपको आपको ये देखना है कि आपको कितना चाहिए इफेक्ट इस पे अपने अकॉर्डिंगली। ये नहीं कि आपको इतना इतने डीबी पे रखना है, इतना ही चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक तो आपको बस ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। एक्सट्रीम जाओगे तो ऑब्वियस बात है कि आपको जो मिक्स होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो इसमें मैंने बिल्कुल हल्का सा डिले इफेक्ट डाला हुआ है 8% का, विद रेट ऑफ 0, इंटेंसिटी इसकी फुल है। तो आपको विद इफेक्ट सुनाता हूँ मैं, सो काइंडली यूज़ योर हेडफोन्स टू लिसन द मिक्स, क्योंकि ऐसे आपको सुनाई नहीं देगा कि कैसे इफेक्ट आ रहे हैं, वो सब आपको हेडफोन में सुनना पड़ेगा। सो बेटर है कि आप अपने हेडफोन्स ऑन से लगा लें और हर एक इफेक्ट को ध्यान धीरे से सुने। जब जब सांसें भरती हूँ
तो बेसिकली जो कोरस है आपको इसके साथ जो वोकल्स हैं उनमें स्टीरियो इफेक्ट मिलेगा, तो दोनों कान जो कान हैं उनके दोनों साइड पर आपको आवाज़ सुनाई देगी और एक अच्छा सूथिंग इफेक्ट है ये भी। देन कम्स द स्पेस डिले, सॉरी द स्पेस रिवर्ब। अब कई लोग ये बोलते हैं कि जैसे इफेक्ट्स जैसे मैंने यूज़ किए हैं, कोई कहेगा कि ये पहले होना चाहिए, ये सेकंड में होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। हाँ वो ठीक है, कौन सा कहाँ पे होना चाहिए, जो बेसिक है वो ये है जो मैंने यूज़ किए हैं। दिस इज़ द बेसिक सीक्वेंस, पहले इक्वलाइजेशन कंप्रेशर, फिर आ गया जैसे लाइक आप यूज़ द डीसर, नॉइस गेट, पिच करेक्शन, टेप डिले, और अब आ गया जो स्पेस डिले है, सॉरी फिर मैंने डिले बोल दिया, डिज़ाइनर सॉरी, इट इज़ द रिवर्ब, डिले डिले करके मैंने डिले पे नाम रख लिया हुआ। तो ये रिवर्ब है, स्पेस रिवर्ब, और रिवर्ब भी कई टाइप के मिल रहे हैं मुझे इसमें लॉजिक में। तो जो इनबिल्ट हैं इसमें है ईएन वर्ब है एक, प्लेटिनम वर्ब, सिल्वर वर्ब, ये स्पेस डिज़ाइनर है। जो स्पेस डिज़ाइनर है ये काफ़ी अच्छा है और मैं मैक्सिमम टाइम यही यूज़ कर रहा हूँ। बाकी तो और भी हैं जैसे वेव प्लगइन्स के भी हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं इसमें रिवर्ब्स। एक ट्रू रिवर्ब है, देन कम्स आर वर्ब, तो बहुत सारी वर्ब इसमें हैं, पर जो इनबिल्ट है मैं इस पर ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो मुझे है ये अच्छा लगता है। अब आपको क्या अच्छा लगता हो वो आपको पता होगा, जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हो, ये नहीं है कि आपको यही यूज़ करना है। तो पहले मैं आपको विदाउट इफेक्ट सुनाता हूँ। ये था विदाउट इफेक्ट, अब मैं आपको इफेक्ट के साथ सुनाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो रिवर्ब है वो कैसे जादू करता है, वो आपकी वॉइस को एक अच्छा गिफ्ट दे, गेन देता है, आपको अच्छी आउटपुट आएगी। और मोस्टली जो मेन चीज़ है दैट इज़ द प्रोफेशनल टच। तो हर कोई यही चाहता है कि मेरा जो गाना वो प्रोफेशनल लगे, कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रफ मिक्स है या कुछ भी हो। तो हर कोई यही चाहता है कि मेरा गाना अच्छा हो, अच्छी आउटपुट हो, लोगों को सुनने में अच्छा लगे, एक प्रोफेशनल मिक्स होना चाहिए। तो ये जो प्लगइन्स है आप ये यूज़ कीजिए, इसके साथ ये है कि आपको एक अच्छा एक प्रोफेशनल टच मिलेगा। ये नहीं मैं कहता कि आपको प्रोफेशनली सब कुछ मिलेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आगे टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे कि आप कौन सा डॉ यूज़ कर रहे हो, किस पे कैसे यूज़ कर रहे हो, इंटरफेस कौन सा आपका, जो माइक है वो कौन सा यूज़ किया है, वो उन पर भी डिपेंड करता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मिक्सिंग मास्टरिंग। तो मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए ये जो इफेक्ट्स हैं दीज आर बेसिक इफेक्ट्स, वो ये यूज़ करने के लिए जब यूज़ करोगे इनको तो आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिलेगा। इट विल गिव यू अ प्रोफेशनल लुक, एक प्रोफेशनल टच मिलेगा आपको अपने सॉन्ग के लिए, आपके वोकल्स को अच्छा नरिशमेंट मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा है ये। सो अब जो सेकेंड लास्ट इफेक्ट जो मैंने यूज़ किया है दैट इज़ अ कंप्रेसर। दिस इज अगेन द बेसिक इनबिल्ट कंप्रेसर ऑफ लॉजिक प्रो एक्स। तो अब मैं आपको पहले विदाउट इफेक्ट सुनाता हूँ। तो ये था विदाउट इफेक्ट, अब सुनिए विद इफेक्ट। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गेन इसमें आ गया है, वोकल्स काफ़ी एम्पलीफाई हो गए हैं और अब बिल्कुल सुनने में अच्छे लग रहे हैं कि अब जब हम इसको म्यूजिक के साथ मिक्स करेंगे तब बिल्कुल इक्वल आवाज़ आएगी और काफ़ी अच्छा आउटपुट आएगा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। और जितने भी और मेन चीज़ जो मैंने कंप्रेसर सेकंड लास्ट में क्यों यूज़ किया है, तो जो मेन रीज़न है इसके पीछे वो यही है कि जितने भी आपकी अर्लियर फ्रिक्वेंसी जो हमने पहले इफेक्ट्स यूज़ किए हुए हैं, लाइक लेट बी रिवर्ब है, कोरस है, पिच करेक्शन है, टेप डिले है, डीसर है, जो भी मैंने पहले यूज़ किए हैं उन सब को जो है एक रिजल्टेंट मिल जाएगा। और ये जो कंप्रेसर है ये उन सब की जो है
जो इफेक्ट है उन सब प्लगइन्स का, उसको एक साथ इंक्रीज़ कर देगा। मतलब जैसे जो मैंने कुछ भी यूज़ किया, लाइक आई हैव यूज आर वॉक्स, वो चीज़ को भी इंक्रीज़ करेगा उसका इफेक्ट। डिसर है, उसका इफेक्ट इंक्रीज़ कर देगा। टेप डिले का आपका इफेक्ट इंक्रीज़ कर देगा। पिच करेक्शन का इफेक्ट इंक्रीज़ कर देगा। कोर्स का इफेक्ट इंक्रीज़ करेगा, एज वेल एज़ द स्पेस रिवर्ब, सब चीज़ों का। ये कंप्रेसर जो है उनका इफेक्ट जो होगा वो बढ़ा देगा। उससे क्या होगा कि आपको हर एक जो प्लगइन आपने यूज़, हर एक जो प्लगइन या जो आपने इसमें इफेक्ट यूज़ किया है, आपको बिल्कुल उसकी आवाज़ सुनाई देगी। आपको पता चल जाएगा कि आपने कौन से इफेक्ट यूज़ किए हैं, कैसे किए हैं और कितना किया है, मतलब कि आपको ज़्यादा कम सब पता चल जाएगा इसमें आफ्टर कंप्रेशर। कंप्रेसर एक बहुत ही अच्छी प्लगइन है इसमें, जो कि खासकर जो इसका इनबिल्ट है, इनबिल्ट कंप्रेसर बहुत ही अच्छा है इसका। और कंप्रेसर भी काफ़ी टाइप के हैं, ये नहीं कि एक ही कंप्रेसर है इसमें। लॉजिक ने तो बहुत, जैसे इसमें है मल्टी कंप्रेसर है, इसमें मल्टीप्रेसर कहते हैं इसको। देन एक इसमें ये एक्सपेंडर है, लिमिटर है, नॉइस गेट आ गया जो मैं आपको पहले दिखाया था। तो एंड द लास्टली बट नॉट द लीस्ट, ये है L316 विच इज़ ऑल्सो मास्टरिंग प्लगइन। तो काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि आप मास्टरिंग के लिए कौन से प्लगइन्स यूज़ करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि मास्टरिंग के लिए तो प्लगइन्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। हर एक डिफरेंट डिफरेंट कंपनी वाले जो हैं, लाइक यू कैन से UAD के आते हैं, ये आ गया जैसे वेव प्लगइन्स हैं, तो बहुत सारे आते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो। अब लॉजिक के इनबिल्ट यूज़ करोगे वो भी अच्छे हैं, पर उसमें थोड़ा आपको पता नहीं चलेगा, थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा उन पे। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ वेव प्लगइन्स का L316 स्टीरियो, जो कि बेसिकली जो है एक मास्टरिंग के लिए है, एक ये बना ही मास्टरिंग के लिए है। तो मैं इसके साथ मैंने इसको लास्ट में ऐड किया हुआ है। अब ये है कि अब आप बोलोगे कि मैंने इसको इसके साथ क्यों ऐड किया, जबकि मैंने अभी मिक्सिंग मास्टरिंग तो अभी बाद में होगी। तो ये मैंने इसलिए ऐड किया कि ये जो वोकल है ये इसको एक प्रॉपर सब इफेक्ट को एक सीक्वेंस में रखेगा। जितने तो मैंने इफेक्ट्स यूज़ किए हैं उन सबको एक पूरा इनबिल्ट में जो होगा ये मास्टरिंग करके उनको एक सीक्वेंस में रख देगा, ताकि जब मैं फाइनल जब सब वोकल के जितने भी म्यूज़िक के साथ या जितने भी नीचे जो लीडिंग वोकल्स हैं जितने भी हैं उन सब के साथ जब इसको निकालूंगा बार आउटपुट में, तो ये काफ़ी अच्छा मुझे आउटपुट मिलेगा। इससे काफ़ी अच्छा आउटपुट देगा ये मुझे, तो वो आपको मैं सुना दूंगा। तो पहले आप सुनिए, विदाउट सॉरी विद इफेक्ट सुन लीजिए। तो दिस इज़ द विद इफेक्ट L316 स्टीरियो द मास्टरिंग प्लग इन। ये था हमारा L316 स्टीरियो द वे प्लग इन। अब मैं आपको म्यूज़िक के साथ सुनाता हूँ इन सब प्लग इन, जितने भी हमने इफेक्ट्स यूज़ किए हैं, कि कैसा है लग रहा है अब, कैसे म्यूज़िक था, कैसा आपको सूदिंग लगेगा, कैसा लगेगा, अब ये सुन लीजिए। सो डू यूज़ योर हेडफोन्स टू लिसन द इफेक्ट्स, क्योंकि उसके बिना आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये सुनिए। आप देख सकते हैं कि जितने भी हमने इफेक्ट्स यूज़ किए हैं उनसे काफ़ी अच्छा गेन मिला है, काफ़ी अच्छा एम्पलीफिकेशन मिला हुआ है। तो हमारे जो वोकल्स हैं वो काफ़ी ऊपर आ गए हैं, लाइक दे आर। अब आपको म्यूज़िक के साथ ये नहीं लगेगा कि दब रहे हैं वोकल्स या कुछ भी कमी रह रही है, काफ़ी सूदिंग और बिल्कुल अच्छा लग रहा है सब। सो ये था हमारा बेसिक ट्यूटोरियल आज का, जिसमें बेसिक प्लगइन्स जो हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, वो आप मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए। तो ये थी हमारी मिक्सिंग। तो मास्टरिंग का मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेसन में, कि मास्टरिंग कैसे की जाती है। सो आज के लिए बस यही। सो नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं आपको मास्टरिंग का बताऊंगा, कैसे मास्टरिंग होगी, और भी दो तीन प्लगइन्स के बारे में बताऊंगा,
पूरे डिटेल में कि कौन से मास्टरिंग प्लगइन्स यूज़ करने चाहिए, कौन से करता हूँ मैं, और उनका इफेक्ट कैसे यूज़ करने हैं उनको, सब कुछ. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल.